सैयदी या रसूल अल्लाह असलात व सलाम अलैका सैयदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमाए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है और रमज़ान की बबरकत गलियों में सूफी फसफा हजरत क़िबले आलम पीर मसंजब सरकार रहमतुल्लाह की दहलीज पे आने वाले हजारों बीमार और तकलीफ सदा लोग अल्लाह ताला रमज़ान की बबरकत घड़ियों के वसीले से आपको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। नीचे हाल में तशरीफ रखती हैं बड़ी तादाद में ख़वातीन, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलों को आसान फरमाए। जो जो मराद लेके आए बड़ा कबूलियत और बड़ा मेहरबानियों वाला वक्त है। अल्लाह ताला इस कबूलियत के वक्त में जो कहीं भी परेशान हाल है किसी मुसीबत में अल्लाह ताला ताजदारी मदीना के सदके से उसे अपना करम और मेहरबानी फरमाए। जिंदगी में बस दो ही मिशन है, एक तो ताजदारी खत्मे नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूके खुदा की खिदमत करना। इंशाल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। तीन दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो व्हील चेयर के बड़ी तादाद में मरीज हैं उनके करीब के रफका जो अपने सर पे हाथ नहीं रख सकते उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे और या जहां आपको दर्द और तकलीफ है कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर में ला लीजिए। और तीसरा भी खास दम होगा, आप जहां जहां बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पर बैठे सिर्फ अपने चेहरे को मेरी तरफ मोड़ लें ताकि आप तीन खास दमों में आप शरीक हो जाएं। जहां बैठे हैं बस इसी जगह आप तशरीफ रखें, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रखें इस नियत से कि शफा बन जाने अल्लाह है। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी दम में आप शरीक हो। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाने जाते हैं फोन नंबर में ला लीजिए। जो जो चीज दम की नीयत से लाई है उसके ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम के लिए सलाई तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इत्माई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है इसी तरह बैत का सिलसिला है।
अगर आप में से कोई दरबारे अलिया आप लावड़ा शरीफ का बस सलाई हुजूर से पाक बैत होना चाहता है मुरीद होना चाहता है तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया लावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर से पाक से है ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा सरकार से आजम नजरे करम खुदारा नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज दराले होंगे इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़े कुरान पाक की तलावत करें जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद व सलाम पढ़े जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली लावड़ा शरीफ से जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी इज्जत हुजूर की इज्जत है। दो जहां में अगर इज्जत है किसी की तो वो ताजदारे खत्मे नबूवत की इज्जत है। इसलिए जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली लावड़ा शरीफ से जा रहा है हर मोमन की पहचान नहीं हर मोमन की जान से भी आगे ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारी खत्मे नबूवत ताजदारी खत्मे नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए क्योंकि रमजान की बबरकत घड़ियां हैं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए। रमजान की बबरकत घड़ियों के सदके से पूरी दुनिया पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। अभी जो हाजत है वो दिल में रखे मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन